खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां आज ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन इलाहाबाद की तरफ से सेवानिवृत्त ज्ञानेंद्र प्रकाश ओझा अध्यक्ष अखिल भारतीय डॉक कर्मचारी संघ इलाहाबाद का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कॉम आर एन परासर सेक्रेटरी जनरल एन एफ पी ई न्यू दिल्ली रहे। उन्होंने कहा, जीपी ओझा जीवन में कर्मचारियों के लिए संघर्ष किया, हमेशा कर्मचारियों के हित के लिए सोचा। ओझा राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, उन्होंने इंडिया गेट पोस्ट का प्रतिनिधित्व किया, स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत नौकरी किया। मुख्य अतिथि ने अच्छे कार्य पर प्रकाश डाला। ओझा जी ने यूनियन में कैसे कार्य किया वो आज भी उदाहरणीय है। अतिथि अनुग्रह रामायण पूर्व विधायक श्री चंद्र द्विवेदी आदि लोग मौजूद रहे। देखिए प्रयागराज से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। इलाहाबाद डिवीजन के डिवीजनल प्रेसिडेंट कॉमरेड जीपी ओझा जी का सेवानिवृत्त होने पर ये विदाई समारोह रखा गया है, अभिनंदन समारोह। और ये परंपरा है कि जो कोई भी कभी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसको यूनियनें मिलकर के उनका सम्मान करती हैं, अभिनंदन समारोह आयोजित करती हैं, फिर उसके बाद उसमें अपने संगठन से संबंधित चर्चाएं कुछ हो जाती हैं। तो चूंकि इस समय तमाम ज्वलंत समस्याएं हैं कर्मचारी वर्ग के आगे, निरंतर कर्मचारियों की छटनी हो रही है, संख्या में कटौती हो रही है, भर्ती हो नहीं रही है, खाली पद तमाम पड़े हुए हैं, विभाग बंद हो रहे हैं, और पिछला जो डीए रोका हुआ था, तमाम लोग जो पेंशनर बीच में रिटायर हो गए उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, पेंशनरों को और अन्य राज्य सरकारों के कर्मचारियों पेंशनर को इस डेढ़ साल का डीए का जो लॉस हुआ है, ऐसी तमाम सारी बातें हैं जिन पर इसमें चर्चा हुई है। बाकी मुख्य रूप से ये आयोजन कॉमरेड जी पी ओझा के सेवानिवृत्त होने पर ये अभिनंदन समारोह था, स्वागत समारोह। मैं आर एन पारासर सेक्रेटरी जनरल कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स हेडक्वार्टर।